बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रीवियस क्लास में हमने यूज़र एड्रेस को इम्प्लीमेंट किया प्रॉपर तरीके से। इस वीडियो में हम कस्टमर रजिस्ट्रेशन की इम्प्लीमेंट करेंगे। आप जो स्क्रीन पे शो आ रहे हैं वो हमारे पास है रजिस्ट्रेशन, जो एडमिन जो है कस्टमर को भी रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ से। वो अपना यहाँ से एडमिन, कस्टमर, ऑपरेटर, सब एडमिन, अकाउंटेंट एंड मैनेजर। अब इसमें हम एक इसके एक और व्यू बनाएंगे, ऐसी पेज हम बनाएंगे सेम टू सेम जो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें यूज़र टाइप नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्टली कस्टमर का होगा। एक हमारे पास है यहाँ पर, यहाँ से भी कस्टमर ऐड होता है जो आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है यूज़र टाइप नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर एक और पेज भी बनाएंगे जो साइन अप का हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेटिंग में जो है बंदा जो है वो जो चीज़ को परचेज करना चाहते हैं इस वेबसाइट से, तो यहाँ से भी वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं, यहाँ से भी वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ठीक है। सो ये स्लाइडेंगे और यहाँ से जो है प्रॉपर यहाँ पर एक फॉर्म होगा, क्योंकि इस फॉर्म को हम हर जगह पर कॉल करेंगे, क्योंकि इसको हम हर जगह पर कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई लिंक वगैरह तो है नहीं कि मैं इसको कॉल करूँ, तो फॉर दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एड हियर द अनदर फॉर्म फॉर द रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसमें ओनली जो हमारे पास है कस्टमर रजिस्टर्ड होगा। सेम बस इसी कोड को मैं यहाँ पर जो है इसे यूज़ करने वाला हूँ। सो उसका व्यू कैसे होगा, चलिए यहाँ पर जाते हैं। कस्टमर रजिस्ट्रेशन इसको हम बनाएंगे इस वीडियो में, उसमें सिर्फ यूज़र टाइप नहीं होगा, बाकी यही कोड होगा, यही चीज़ें हमारे पास यहाँ पर बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो नाउ ओपन द कोड दिलिया सॉफ्ट ब्लॉग, और ये हमारे पास इसका पोस्ट है, जो नीचे इसका कोड जो है वो सारा यहाँ पर शो किया गया है। सो ये इस ब्लॉग का लिंक जो है यहाँ पर, ये लिंक आपको नज़र आए, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको इस ब्लॉग को सर्च करना है, सो राइट द कोड विद इंडिया सॉफ्ट इन द गूगल सर्च एंड देन यू विल गेट एन रिजल्ट, दिस कोड विद इंडिया सॉफ्ट blogspot.com। सो वन यू विल विजिट दिस कोड विद इंडिया सॉफ्ट blogspot.com, देन गो टू द राइट साइड इन अ प्रोजेक्ट मेन्यू एंड क्लिक ऑन द ई कॉमर्स वेबसाइट, यू विल गेट ऑल द पोस्ट रिलेटेड टू द ई कॉमर्स एंड देन गो टू दिस पार्ट 16 कस्टमर यूजर रजिस्ट्रेशन। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो नाउ ओपन यूर प्रोजेक्ट, और यहाँ पर यूजर पे आते हैं, यहाँ पर यूजर, क्योंकि हमारे पास यूजर है इज जस्ट अ कस्टमर। सो नाउ ओपन द ब्लॉग, सिंपली जो है ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस भी किया है बार बार। सो मैं इसका कोड यहाँ से सिंपली कॉपी करता हूँ, बस आपको यहाँ पर सिंपली वो दिखा वो पॉइंट्स दिखाता हूँ जो इसमें मैं बस सिर्फ इसको चेंज करूँगा, क्योंकि ये वीडियो जो है ये इतना बड़ा नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, और ये आप देख सकते हैं वही यूज़र एमवी हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट कस्टमर रजिस्ट्रेशन का एक व्यू हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब वो पोस्ट होगा तो यहाँ पर हम इसके बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी 2 रखेंगे। अच्छा, अब हमें यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है ना, इसमें हमें इसको चेंज करना है, ये जो यूज़र आईडी है ना इसको हम चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ से एडमिन चाहे तो अपनी मर्ज़ी का जो भी जो है वो यूज़र चाहे तो वो ऐड कर सके, क्योंकि ये चीज़ ये पॉइंट जो है वो हमसे रह चुका था प्रीवियस वीडियो में, तो आपको ऐसे ही सेट करना है, ठीक है। यहाँ से यूज़र टाइप हमें सेट करना है। सो अब यहाँ से जो है यूज़र एडमिन जो है वो ऑपरेटर भी ऐड कर सकते हैं, सब अकाउंटेंट भी ऐड कर सकते हैं, और जो टाइप ऑफ यूज़र वो चाहे वो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और ये जो है इट्स ओनली फॉर द कस्टमर, क्योंकि कस्टमर का आईडी हमारे पास जो डेटाबेस में है वो आईडी है। सो कस्टमर आईडी हमारे पास 2 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है हमने 2 लगाया है। एंड यूज़र टाइप अगर आप जाए तो वहाँ पर आपको प्राइमरी की में 2 इसका आईडी मिलेगा। सो हमने यहाँ पर फॉरेन की यूज़ की है, उसका वैल्यू 2, ओके। बाकी वही यूज़र रजिस्ट्रेशन कोड है जो प्रीवियस हमने डिस्कस की है विद डिटेल, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, जस्ट इसका डिफरेंस है और यहाँ पर, ठीक है। बाकी यूज़र यहाँ पर यूज़र स्टेटस हमारे पास ट्रू है, एडमिन यहाँ पर करते इसका यूज़र स्टेटस भी हमारे पास ट्रू है, क्योंकि जब कस्टमर रजिस्टर्ड होता है तो वो ऑर्डर लगाते हैं तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रूव रखना है, अप्रूव रखना है, ठीक है। अच्छा, सो अब ये कोड हमारे पास फाइनल है, सो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर कस्टमर रजिस्ट्रेशन को ऐड करते हैं। सो नाउ ऐड द व्यू, और इसके बाद भी ऐड करते हैं, एंड नाउ कस्टमर रजिस्ट्रेशन का व्यू बस यहाँ पर ऐड कीजिए, और फिर ब्लॉग में जाके इसका कोड अगर आपको यहाँ से कॉपी करना है तो यहाँ से कॉपी कीजिए, या अदरवाइज अगर आपको उस स्लाइड मेन्यू से जो यहाँ पर यूज़र रजिस्टर्ड होते हैं, अगर यहाँ से कस्टमर रजिस्टर्ड होता है, अगर यहाँ से आपको कॉपी करना है तो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑलरेडी ब्लॉग में जो है कोड मैंने रखा है मैं उसको कॉपी करता हूँ।
क्योंकि वही कोड मैंने यहाँ पर जो है पेस्ट किया है, थोड़ा बहुत उसका जो है वो कंटेनर वगैरह मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं जो आपको यहाँ पर ऊपर नजर आ रहा है। तो चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ और वहां पर इसको पेस्ट करता हूँ उस व्यू में। सो नाउ अब यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। अब इसमें चेंजेस जो है वो थोड़ी सी जो है इतनी चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पर हमने जो है वो रिटर्न टू स्टोर में जो है इस लिंक को चेंज किए हैं, ठीक है। और बाकी ऊपर जो है हमने यूजर टाइप को यहाँ से हटाया है, वो तो खैर ऑलरेडी हमने जो है वो कॉपी की है जो स्लाइड मेन्यू से कस्टमर रजिस्ट्रेशन का कोड था। और बाकी यहाँ पर जो है एक्शन हमारे पास कस्टमर रजिस्टर्ड है, पोस्ट मेथड है और यहाँ पर ये यूजर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर अच्छा अब ये ऊपर हमने जो है ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। अब ये एक लिंक की तरह आते हैं, जब क्लिक करेगा होम पे कोई तो होम पे ही चले जाएगा, अदरवाइज ये क्रिएट अकाउंट पे रहेगा। सो नाउ सेव द चेंजेस। अब हमें यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हमें सिंपली जो है इसको सेव करना है और उसको टेस्ट करना है। बाकी सेम टू सेम कोड है, अगर फिर भी कोई इशू कोई मसला हो सो राइट कमेंट्स ऑन द वीडियो, वी विल रिजॉल्व योर इशू इन द कमेंट्स बोर्ड। अदरवाइज अगर फिर भी मसला नहीं हल नहीं हुआ सो द मेंशन नंबर ऑन वीडियो ऑन बॉटम, उस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट टीम का नंबर है। इंशाल्लाह आपका जो है मसला जो है वो 24 आवर से लेकर 48 आवर में बाय रिमोटली हल किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। नाउ सेलेक्ट दिस कस्टमर व्यू, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको विजिट करते और नो वेट फॉर द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। सो नाउ द एप्लीकेशन रन सक्सेसफुली। ओके जस्ट राइट हियर द नेम और यहाँ पर एक जो कस्टमर हमारे पास है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब जब इसको मैं रजिस्टर्ड करूँगा तो इसके बाद जो है ये कहाँ पर इसको जाना है वो भी मैं यहाँ पर थोड़ा शो करते हूँ। यहाँ पर यूज़र यहाँ ई लॉग इन पेज पे जाते हैं। सो इस लॉग इन को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, कमिंग वीडियो में। सो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा जो है इसको इसमें एक और यूज़र को यहाँ पर ऐड करता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ रज़ा और यहाँ पर रज़ा अली और इसके बाद यहाँ पर जो है रज़ा एंड देन ऑप्शन जेंडर जो है मेल और इसके बाद जो है यहाँ पर चलिए नाम जो है कॉन्टेक्ट नंबर जो है इसे चेंज और यहाँ पर जो है रज़ा। अब ये ऑलरेडी ये नंबर रजिस्टर्ड है तो चलिए इसको ये चेंज कर देंगे। अब ये रज़ा अली @gmail.com एंड द नेक्स्ट यहाँ पर पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंड सो हेयर। अब ये स्टैंडर्ड में 1 2 3 4 5 क्यों रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब यहाँ पर काफ़ी का जो अकाउंट्स होंगे कस्टमर के, एडमिन के, सब एडमिन के, यहाँ पर ये बनेंगे। जब तक मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, ये प्रोजेक्ट बनता रहेगा, तब तक इसमें यूज़र्स भी आएंगे, उसकी अलग अलग नेम्स भी आएंगे। तो नेम्स अलग है लेकिन पासवर्ड हमें सेम रखना है, क्योंकि यूज़र जो यहाँ से उसका नाम है तो वो याद होता है लेकिन पासवर्ड याद नहीं होता कि हर यूज़र का हम अलग रखें, ठीक है। सो बस स्टैंडर्ड में 1 2 3 4 5 रख दो ताकि मुझे जो है लॉग इन होने और उसमें कोई इशू ना हो। तो चलिए इसको साइन अप करते हैं। जैसे साइन अप करूँगा तो यहाँ पर जो है हमारे पास लॉग इन पे ही चला जाएंगे, देखिए। लेकिन लॉग इन हमारे पास यहाँ पर अब तक नहीं बना है, सो हमारे पास कस्टमर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। अगर हमें इसको चेक करना है सो सिंपली यहाँ पर रज़ा जो है इस पर क्लिक कीजिए, यूज़र नेम। अच्छा इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और जो सिंपली यहाँ पर हम रज़ा लिख देंगे। सो रज़ा चलिए रज़ा था हमारे पास, ये देखिए ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट है इन द डेटा बेस। सो इन कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द लॉगिन पेज। अब लॉगिन पेज हम क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये लॉगिन पेज में कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकता हूँ बाय यूजिंग द रीडायरेक्ट टू एक्शन एंड सो ऑन। सो इसलिए हमें इसको भी एक अलग पेज यहाँ पर बनाना है ताकि वो हम एक्सेस कर रहे, अदरवाइज जब भी कस्टमर लॉग इन होगा तो वो डायरेक्टली यहाँ से लॉग इन होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन पेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो सो काइंडली सब्सक्राइब द कोड इंडिया सॉफ्ट यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।